अजगर साहब, ये क्या कहते हैं इस खेल के बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, आज का जो टूर्नामेंट है, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि खिलाड़ियों को किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए, और आज का जो आपका ये टूर्नामेंट है, तो आप इस बारे में प्लीज़। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमारे इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है सिंध स्पोर्ट बोर्ड आल सिंध अल्लामा इकबाल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021, जिसको स्पॉन्सर किया है स्पोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, तो बेसिकली इस टूर्नामेंट के हवाले से हम नेशनल 38वीं नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो लाहौर में हो रहा है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे तमाम, उसके लिए हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर ये बैनल सूबाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आ रहा है, उसके लिए भी हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम के इनका का मकसद नौजवानों को आगे लाना और उनकी मकफी सलाहियतों को उजागर करना। अच्छा सर, माशाल्लाह हम हर बार देखते हैं कि आप लोग माशाल्लाह इस तरह के इवेंट करते रहते हैं, और जितने भी खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको आप लोग प्रमोट करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है, या फिर आप कुछ डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कि इन खिलाड़ियों के इन फ्यूचर जो इनके लिए कुछ अच्छा हो, कुछ बेस्ट हो? देखिए, आज ये जो मेला सजा हुआ है, ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट यानी महकमा खेल सिंध का ताउन है कि इस तरह का मेला सजा हुआ है। महकमा खेल सिंध हमारे साथ सिलसिलेवार यानी वो हर वक्त ताउन करते रहते हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमारा ये डिमांड है कि उनके साथ साथ जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी आगे आएँ, ताकि इन नौजवानों को हम पॉजिटिव सिमत में ले जाएँ, मसबत ले जाएँ, और ताकि ये नौजवान जो है उनकी तरबियत मसबत हो। अच्छा जी, तो असगर बलूर साहब जो कि नायब सदर रह चुके हैं, और इस वक्त इन्होंने बताया कि हम गवर्नमेंट के ताउन से भी इस टूर्नामेंट को इंशाल्लाह आगे लेकर चलते रहेंगे। थैंक यू। सच की तलाश।